हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं, मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने कुछ भी सोच कर नहीं रखा। ऐसे ही सुबह में उठी, मेरे को अंदर से ऐसा हुआ कि ब्लॉग शुरू करते हैं, मैंने कर दिया। तो आज सबसे पहली बात कि आज हमें बहुत सारे काम करने, पहले तो आप ये समझ लो। दूसरा, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि मुझे सर्दी हो रखी है। तीसरा, कि भाभी को फीवर हो चुका है इसलिए वो आज पूरा दिन आराम पे हैं। चौथा, कि मुझे आज अपने बहुत सारे वीडियो वगैरह एडिट करने हैं। एंड पाँचवा, कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। भगवान, पता नहीं क्या होने वाला है। तो अभी हमें सबसे पहले ना भैया के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है और टिफिन बनाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, घर के भी बहुत काम है। तो आज के पूरे ब्लॉग में ना मैं आपको बहुत काम करते दिखाई देने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको मज़ा आएगा, एंड तक ज़रूर देखना। एंड अभी जल्दी से किचन में चल के अपना काम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरे घर पे ना सुबह में उठते ही सबसे पहले सभी लोगों को चाय चाहिए रहती है, तो मैं यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ और उसी के साथ में ना मैं पापा और भैया को भी उठा दूंगी, ताकि हमारी चाय बने तब तक वो लोग भी फ्रेश हो जाए। सुबह में उठते ही भगवान जी का नाम लेने से और भजन सुनने से ना दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ। जब मैं सुबह में जल्दी उठा करती थी भैया का टिफिन बनाने के लिए, तब मैं ना हमेशा सुबह में उठ के हनुमान चालीसा लगा देती थी, ताकि मैं जब तक काम करूँ साथ में भगवान जी का नाम मेरे कानों में गूंजता रहे और पूरा दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता था। वैसे भी सुबह में किसी से बात करने लायक मेरा मूड होता है नहीं, तो मैं बस अपना हनुमान चालीसा या फिर कोई भी भजन सुनती थी और साथ ही साथ अपने सारे काम भी कर लेती थी। वैसे हनुमान चालीसा सुनते सुनते और आप लोगों के साथ बातें करते करते ना मेरी यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे नाश्ते के लिए ना आज दाल के पराठे बना रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने भैया का पूरा टिफिन पैक कर दिया, जिसमें मैंने सब्जी, रोटी, दही, थोड़े से भुजिया वगैरह डाल दिए हैं। और इससे पहले कि भैया लेट हो जाए, जल्दी से उन्हें टिफिन देते हैं और बाय बोल देते हैं। गाइस, तो मैं थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ, हालात से भी लड़ चुकी हूँ, पता नहीं मैं क्या बोल चुकी हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैं काफ़ी थक चुकी हूँ एंड मैंने ऑलरेडी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह अभी कर लिया है, लेकिन उसके अलावा भी हमें बहुत काम है। सबसे पहले मुझे अपने एक शॉट को एडिट करना है, तो पहले मैं वो करूँगी, उसके बाद घर के भी काम करना है। हाय, इतना काम क्यों करना पड़ रहा है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा सच्ची में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आज भाभी की तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं यहाँ पे उनकी नज़र उतारने की तैयारियाँ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मम्मी ने बोला है कि एक बार उनकी नज़र उतार दो। मेरे घर में ना अगर किसी को खांसी आती है या फिर अगर सिर दर्द भी होता है ना, तो मेरी मम्मी यही बोलती है कि सबसे पहले नज़र उतार दो, क्योंकि मेरी मम्मी के हिसाब से अगर हमें कुछ भी होता है इसका मतलब हमें नज़र लग गई है। अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि भाभी के पैर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा वाला वो भी। तो अभी मैं वो ना नुस्खा अपनाने वाली हूँ, जिसमें वो गर्म पानी के अंदर नमक डालते हैं और उसके अंदर थोड़ी देर पैर रखते हैं तो पैरों का दर्द चला जाता है। ये वाला नुस्खा मैंने अपनी दादी पर बहुत बार इस्तेमाल करा है, तो आज भाभी की बारी है, उन पे करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भगोला कहाँ पे रखा है बड़ा वाला, वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि आजकल मुझे किचन में कौन सी चीज़ कहाँ रखी होती है ज़्यादा पता होता है नहीं, भाभी ने रखी सारी चीज़ें। तो अभी वो ढूंढते हैं, अगर मिला तो ठीक है, वरना कुछ ना कुछ जुगाड़ ही करूँगी, और तो क्या, वो ही कर सकती हूँ मैं। भगोला तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे बड़ी वाली कढ़ाई मिल गई है, तो मैंने उसी के अंदर गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। एंड देखते देखते 10:30 बज गए और मुझे वापस से भूख लग गई, तो मैंने भाभी के लिए जो फ्रूट्स काटे थे जो कि उन्होंने एक दो ही खाए थे, तो बस मैं वही खा रही थी साथ ही साथ। और यहाँ पे हमारा गर्म पानी भी हो चुका है, जिसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है, तो इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए जल्दी से भाभी को दे देते हैं। एंड इससे सच्ची में उन्हें काफी ज्यादा राहत मिली थी। मेरे बाल बहुत ज्यादा गंदे हो चुके, एकदम ऐसे 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 हो रखे हैं। तो अभी फिलहाल का अपडेट दे देती हूँ मैं, कि मैं ना ये जो मेरा रक्षाबंधन वाला गिफ्ट है ना, वो वापस से पैक कर रही हूँ, क्योंकि ये ना मतलब जब मैंने पहली बार चेक करा था ना, तब तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद ज़्यादा कुछ अच्छा मेरे को लगा नहीं। तो ये जो मेरा रक्षाबंधन का इकलौता गिफ्ट है, वो आज हम वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो मैं बस उसे ही पैक कर रही थी। तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोग इसकी लिंक भी मांग रहे थे, तो मैं इसकी लिंक नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा।
पहले चेक किया था तब तो अच्छा ही था, लेकिन पता नहीं क्यों शायद उस टाइम पे मैंने अच्छी तरीके से इसका चेक नहीं किया था, इसको चेक नहीं करा था, इसलिए मेरे को अच्छा लगा था। बट अभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं आज इसे रिटर्न कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सारे बॉक्सेस वगैरह पड़े हैं जो कि हम हमेशा संभाल के रखते हैं, क्योंकि हमें पता है हम कभी भी कुछ भी सामान वापस दे देंगे। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी है, तो फटाफट से इसे पैक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ एंड उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखो, जब मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो मेरे किचन की कुछ ऐसी हालत हो जाती है। तो अभी फटाफट से इसे क्लीन कर लेते हैं इन 3, 2, 1 डन डन। एंड ये देखो हो गया ना एकदम चकाचक, हमने सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है बिल्कुल। तो अभी फटाफट से पूरा घर एकदम चकाचक कर देते हैं, क्योंकि मुझे ना एकदम साफ सुथरा घर पसंद है, मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। तो सारी चीजें फटाफट से क्लीन कर लेते हैं इससे पहले कि पापा लंच के लिए घर आ जाए। गाइस, तो फाइनली नहा लिया मैंने, चलो एटलीस्ट मेरा नहाना हो गया। अभी मुझे एक वीडियो अपलोड करना है, लंच करना है एंड उसके अलावा बाहर जाके भाभी के लिए आइसक्रीम लेके आनी है और झंडू बम लेके आना है, क्योंकि उन्हें सिर दर्द हो रहा है और घर में झंडू बम खत्म हो चुकी है। तो देखते हैं पहले हम कौन सा काम करेंगे। पहले मेरे ख्याल से मैं वीडियो अपलोड कर लेती हूँ एंड लंच भी करना है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है सुबह से, अच्छी तरीके से मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो देखते हैं पहले क्या करते हैं, लेकिन फटाफट से सारे काम करने होंगे क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ शूट भी करना है। सो चलिए करते हैं जल्दी से। तो मैंने अपना वीडियो तो अपलोड कर दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊँ, उससे पहले कुछ खा लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। तो हो चुका है, बस भाभी की आइसक्रीम बाकी है, तो अभी जाके वो लेके आता है एंड झंडू बम भी लेके आता है। इतना ज्यादा गंदा है ना यहाँ पे ये सारा, बिल्कुल भी मिरर सेल्फी के सामने भी नहीं देख सकते, इतना ज्यादा गंदा है। पता नहीं हमारे सोसाइटी की लिफ्ट इतनी ज्यादा खराब क्यों रहती है हर बार। बट आई एम लुकिंग प्रीटी, मेरे को ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। हाय गाइस, तो सर्दी की वजह से मेरी काफ़ी आवाज़ जा चुकी है, अभी मेरे से ठीक से बोला नहीं जा रहा, ऊपर से गधी जैसी मैंने आइसक्रीम खा ली। लेकिन मैंने सुना है कि जहर ही जहर को काटता है, बोलते हैं कि जब ठंड लगे तब आइसक्रीम खाने से ठंडी जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन मेरे केस में एकदम उल्टा हो गया। अभी मुझे ज़्यादा सर्दी हो गई है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। और वैसे भी जब भी सर्दी होती है ना तब ज़्यादा काम वगैरह होता है नहीं, हम बहुत ज़्यादा ऐसा लेजी लेजी फील करते हैं। मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, तो अभी तो मुझे ऐसे मौत आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे अपने एक दो रील वगैरह शूट करने जो कि मुझे करने ही पड़ेंगे। और शूट करने की वजह से, मतलब ब्लॉग की वजह से मैंने पंखा बंद रखा, भी मुझे गर्मी भी लग रही है, साथ में मुझे सर्दी भी लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। एंड आज का मेरा वैसे भी पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, मतलब सुबह से मैं बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हूँ एंड अभी भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने बाकी है। तो मैं सोच रही हूँ पहले रील वगैरह शूट कर लूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे एडिट वगैरह भी करना रहेगा, तो काम बहुत है एंड टाइम बहुत ज़्यादा कम है। ऊपर से आवाज़ जा चुकी है तो मुझे टेंशन हो रहा है कि मैं शॉर्ट में वॉइस ओवर कैसे करूँगी, क्योंकि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है मेरी अभी एंड मेरे से बोला अच्छे तरीके से नहीं जा रहा है, बीच बीच में मैं रुक जाती हूँ बोलते बोलते। तो या बस कुछ ऐसा चल रहा है, तो अभी हम जल्दी से शूट कर लेते हैं ताकि हम थोड़े ज़्यादा देर तक आराम कर पाए, वरना डिनर बनाने का भी टाइम हो जाएगा तो बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बस चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेटअप हो चुका है एंड अल्सो ये सारे कपड़े और चीज़ें थोड़ी बहुत जो हमें शूट के लिए चाहिए। एंड यहाँ से आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप आ रही है, तो आई होप कि एकदम मस्त वाला हमारा शूट वगैरह होने वाला है। तो चलिए पहले वो कर लेते हैं, बाद में आपसे मिलते हैं। शूट वगैरह मेरा ख़त्म हो चुका है एंड कुछ भी काम करने के बाद इतनी ज़्यादा भूख लगती है, तो मैंने सोचा कि अभी कुछ बना के खाते हैं। मैं यहाँ पर बना रही थी सैंडविच बहुत ज़्यादा जुगाड़ के साथ, क्योंकि दोपहर में आलू की सब्जी बनी हुई थी, मैंने सोचा उससे क्यों ना ब्रेड के ऊपर लगा देते हैं, थोड़े से टमाटर प्याज थोड़ा सा केचप वगैरह डाल के सेक लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे फिलहाल के लिए ना यही वाला बेस्ट ऑप्शन लग रहा था। तो मैं बस अपने लिए यहाँ पे सैंडविच बना रही थी। ट्राई
ट्रस्ट मी, हमारे जुगाड़ू सैंडविच ना बहुत ज्यादा यम्मी बने थे, खा के एकदम दिल खुश हो गया मेरा। ओके गाइस, तो अभी तबीयत थोड़ी सी अच्छी फील हो रही है मेरे को, अभी अच्छा फील हो रहा है, पता नहीं अच्छा लग से कैसे, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है अभी। तो भैया और भाभी तो अभी हॉस्पिटल के लिए निकल गए एंड अभी मुझे बनाना है खाना, तो मैं खाना बनाने जा रही थी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग एंड कर देती हूँ क्योंकि बाद में मैं भूल जाऊंगी। सो यह दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको इस टाइप के ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मैं और भी बनाऊंगी, मुझे बताना। एंड अपना कोई अच्छा सा मॉर्निंग रूटीन मैं मतलब थोड़ा सा डिटेल में शेयर करूंगी, मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मैंने पढ़ा था, तो वो मैं थोड़ा अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी मॉर्निंग क्या कैसे होती, वैसे होती लेट है लेकिन हाँ काफी सारी चीजें करती हूँ मैं सुबह में, तो वो सारी चीजें मैं जल्दी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, थोड़ी सी तबीयत और थोड़ी आवाज अच्छी हो जाए उसके बाद। एंड बस शॉर्ट्स में तो आपको मिलते ही रहेंगे, दिन में 2-3 पोस्ट करती हूँ मैं, तो आप लोग जरूर देखना एंड इंस्टा पे फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बाय।